विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धनिस धम्मा के एपिसोड 79 भाग 79 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धनिस धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है, शीर्षक है रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। इस बुक 4 में हम बौद्ध धम्म, ये ब्राह्मणी धर्म से, हिंदू धर्म से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस बुक 4 के सेक्शन 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। सेक्शन 2 का टाइटल है, शीर्षक है कि हाउ सिमिलिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस, कि शब्दों की समानता, शब्दावली की समानता, नामों की समानता किस तरह से मूलभूत भेदों को छुपाए रखती है। कल तक हम इसके सेक्शन 2 का अध्ययन कर रहे थे, कर्म, यानी बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत क्या कहता है और ब्राह्मणी धर्म का कर्म का सिद्धांत क्या कहता है। कल सेक्शन 2 का अंतिम अध्याय हम लोगों ने उसकी जानकारी हासिल की है। आज से हम सेक्शन 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। सेक्शन 3 का टाइटल है अहिंसा, बुद्ध की अहिंसा और ब्राह्मणी धर्म में अहिंसा, ये दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस आज हम करने जा रहे हैं। अहिंसा के पहले चैप्टर सेक्शन 3 का, अहिंसा इसका पहला चैप्टर आज हम देख रहे हैं। इसके पहले चैप्टर का नाम है अहिंसा, कैसे इसकी विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है, अलग अलग व्याख्या अहिंसा की कैसे की गई है और किस तरह से अहिंसा का अलग अलग देशों में पालन किया जाता है, अलग अलग बौद्ध राष्ट्रों में, बौद्ध देशों में अहिंसा का किस तरह से पालन होता है। चैप्टर 1 अहिंसा, कैसे इसकी विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है और इसका पालन हुआ है। अहिंसा या जीव हिंसा न करना, यह बुद्धा के शिक्षाओं का प्रमुख भाग है। अहिंसा ये करुणा और मैत्री के साथ इसका घनिष्ठ रूप से ये जुड़ा हुआ है। हालांकि सवाल यह पैदा होता है कि क्या तथाकथित बुद्ध की अहिंसा कर्तव्य में असंदिग्ध, असीम या निरंकुश थी या केवल सापेक्ष थी। क्या तथाकथित बुद्ध केवल अहिंसा को एक सिद्धांत के रूप में दे गए हैं या वो एक नियम भी है। जो लोग बुद्धा के शिक्षाओं को मानते हैं उन लोगों को अहिंसा को असंदिग्ध, असीम या निरंकुश कर्तव्य मानने में, उन्हें वो कर्तव्य स्वीकार करने में अत्यंत कठिनाई महसूस होती है। उनका कहना है कि अहिंसा की ऐसी परिभाषा करना, इससे बुराई के लिए अच्छाई का त्याग करना और बुरे कर्मों के लिए अच्छाई की, अच्छाई का बलिदान देने जैसा है। इस प्रश्न को स्पष्ट करने की अत्यंत आवश्यकता है। अहिंसा के विषय के अलावा और कोई ऐसा विषय बौद्ध धर्म में नहीं होगा जिसने इतनी भ्रांतियां, इतना संभ्रम फैलाया होगा। बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को कैसे समझा है और किस तरह से अहिंसा को व्यवहार में लाया है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सिलोन, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, सिलोन के बौद्ध भिक्कुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में लड़ाई की और सिर्फ उन्होंने ही लड़ाई नहीं की बल्कि श्रीलंका के लोगों को भी लड़ाई करने के लिए सिलोन के बौद्ध भिक्कुओं ने प्रेरित किया और उन्हें लड़ाई करने के लिए कहा। वही दूसरी ओर बर्मा के बौद्ध भिक्कुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में कोई लड़ाई नहीं की और बर्मा के लोगों को भी लड़ाई करने से उन्होंने रोका, उन्होंने इनकार किया। बर्मा के जो लोग हैं वो अंडा खा लेंगे लेकिन मछली नहीं खाते, इस तरह से अहिंसा को समझा गया है, इस तरह से अहिंसा को व्यवहार में लाया गया है। हाल ही में जर्मन बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार वो 5 शीलों को स्वीकार करते हैं लेकिन
पंचशील में से जो पहला शील है जो जीव हिंसा के अहिंसा के संदर्भ में है संबंधित है, केवल उन्होंने उस शील को अपनाने से इनकार कर दिया, बाकी के चारों शीलों को उन्होंने अपना लिया है। अहिंसा के सिद्धांत को इस तरह से समझा गया है। तो क्या है बुद्धा की अहिंसा? बुद्धा ने अहिंसा के बारे में क्या कहा है? अहिंसा का सच्चा अर्थ क्या है? ये जानेंगे कल के चैप्टर में। आप लोगों ने आज मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।